नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुविनय में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सर्विस सेंटर में लेके जाऊंगा और वहां पर दिखाऊंगा कि मेरे इस TVS XL हेवी ड्यूटी मोपेड में सामने का जो चक्के का आपका ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू को किस प्रकार से मैं चेंज करता हूँ वहाँ पर दुकान में जाकर टोटल प्रोसेस। ब्रेक शू के बारे में पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। ये TVS का आपका जेन्युइन पार्ट है, देख सकते हैं मैंने इसे खरीद के लाया हूँ। इसका प्राइस आपका है 89 रुपीज़। तो अगर आपका ब्रेक शू का प्रॉब्लम होता है तो आपको चेंज कराने से ज़रूरी होता है। अगर आप देखिए, आपको गाड़ी अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस में रनिंग करता है, रेगुलर तौर पर अगर आपका रनिंग होता है तो आपका ब्रेक शू ज़्यादा आशय होगा। ज़्यादातर देखा गया है कि पीछे की जो आपका व्हील है उसमें ज़्यादातर आपका ब्रेक शू ज़्यादा सही होता है, सामने की जो ब्रेक शू है वो आपका उतना ज़्यादा सही नहीं होता, कम सही होता है। पर मेरा जो गाड़ी है काफ़ी दूर रनिंग करता है, रेगुलर रनिंग करता है और काफ़ी साल इसमें हो गया है, तो मुझे इसे चेंज कराने का ज़रूरी आ चुका था, तो इसलिए मैंने चेंज कराया और मतलब अभी कराऊँगा जो भी हो। तो चलिए अभी आपका मेन सर्विस सेंटर में लेके आते हैं गाड़ी को और वहाँ पर इस टोटल प्रोसेस को आपको दिखाएंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ भी कि कैसे क्या कुछ चेंज होता है। तो चलिए मूव करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपका मैकेनिक शॉप में आ चुका हूँ और फिलहाल मेरा जो फ्रंट का आपका जो टायर है उसे आपका ओपन किया जा रहा है और ये जो टायर है इसमें ही आपका जो ब्रेक है उसका ब्रेक शू को चेंज करना है। इसमें आपका ज़्यादातर 19 नंबर रेंज और जो आपका 10 नंबर का रेंज है मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इन दोनों रेंज बेसिकली आपका यूज़ होता है। तो मेरा गाड़ी जैसे कि आपको बताया, मैं 7 साल पुराना है, आपका TVS मोपेड का पुराना वर्जन है, TVS XL हेवी ड्यूटी का, और इसमें मेरा काफ़ी दूर मैं लॉन्ग रनिंग कर चुका हूँ और इसका जो ब्रेक शू है काफ़ी हद तक शाय हो चुका है और कंडीशन काफ़ी ख़राब था। मैं सर्विस कराने के दौरान ही मुझे इस नज़र में आया और मुझे काफ़ी दिनों से आपका चेंज करना था, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपका हालत जो है इस ब्रेक शू का काफ़ी आपका ख़राब हो चुका है और मैं जैसे आपको दिखाया कि TVS का मैं ओरिजिनल पार्ट्स आपका लेके आया हूँ, उसको ही फिर इसमें चेंज करके आपको दिखाएंगे। वही बात है। देखिए आपका पुराना ब्रेक शू था और ये आपका काफ़ी हद तक आपका शाय हो चुका है और मुझे नया ब्रेक शू लगाने का ज़रूरत महसूस हुआ, क्योंकि मेरा जो आपका फ्रंट ब्रेकिंग था वो आपका थोड़ा कमज़ोर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं जब दूर राइड करता हूँ तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा आपका प्रॉब्लम होता रहता है और इसे मुझे चेंज करने का ज़रूरत भी था बहुत दिनों से। गाड़ी आपका जैसे मैंने बताया कि 7 साल आपका पुराना हो चुका है, तो इसलिए मुझे ये वाला चेंज करने का ज़रूरत महसूस हुआ, इसलिए ये वाला आपका चेंज हुआ है। ठीक है, और देखिए आपका अभी पैकेट छुड़ाया जा रहा है और बाकी आपका ये सब काम अभी होगा। नया ब्रेक शू है, मैंने रिसेंटली इसे ख़रीदा है। प्रोसेस इसका आपका काफ़ी सिंपल होता है और देख सकते हैं ये वाला नया ब्रेक शू है। मेरा जो पीछे का ब्रेक शू है मैं उसे पहले ही आपका चेंज कर चुका हूँ, तब मैं इसे अब आपका जो यूट्यूब के काम में नहीं था, तब मैं नॉर्मल में ऐसा जब गाड़ी हुआ था तो 2013 में गाड़ी ओपन किया था, 14 या 15 में मैंने आपका जो ब्रेक शू है पहला वाला ब्रेक शू को मैंने उस टाइम में चेंज किया था, तब मैं यूट्यूब नहीं करता था और उस टाइम में वीडियो का रिकॉर्डिंग का भी कोई आपका अता पता नहीं था, तो इसलिए मैं उसको दिखा भी नहीं। यही बात है। अभी आपका फ़िलहाल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रंट का ब्रेक शू आपका कैसे चेंज होता है। सही बात है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसको सिर्फ आपका जॉइंट किया जाता है, एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग के सहारे ही आपका दोनों जो चीज़ है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होता रहता है और बाकी वो जो देख रहे हैं इस टाइप से ही आपका प्रोसेस होता है। तो बेसिकली गाइस, इसको लगाने का टाइम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस मैकेनिक शॉप में इसे आपको लगाए, थोड़ा आपका स्प्रिंग जो है वो आपका
एक दूसरे के साथ ताकि चिपका रहे, प्रॉपर ए वाला देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका थोड़ा लगाने में दिक्कत होता है हालांकि, पर फिर भी ये आपका ठीक टाइप से लग जाने के बाद आपका प्रॉपर जो बेकिंग फंक्शन है वो आपका काम करने लगेगा। ड्रम बैकिंग के केसेस में ये सब आपका ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर चीज़ एकदम दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपका काम होता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका टोटल जो प्रोसेस है वो अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, और फाइनल अभी आपका इसे टाइट दिया जा रहा है। इसे थोड़ा एडजस्ट करने का ज़रूरी आपका होता है, क्योंकि अगर ब्रेक आपका ठीक से वहाँ पर एडजस्ट ना हो तो आपका लूज़ रहेगा। तो फाइनल यहाँ पर आपका जॉइंट होने के बाद एक बार टाइट कह कर दिया जाता है।